नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे साईं स्वरूपानंद विवाद की। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णी। जयदीप जी, साईं बाबा को कभी मुसलमान बताया जाता है, कभी हनुमान जी को पीटते हुए दिखाया जाता है, इस पूरे विवाद को किस तरह से देखते हैं आप? इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता कि साईं बाबा जैसा एक व्यक्तित्व जिसके प्रति लोगों की इतनी अगाध श्रद्धा है, आस्था है, और हिंदू धर्म जिस सत्य सनातन संस्कृति के आप अपने आप को अलंबरदार होने का दावा करते हैं, प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं, मठाधीश होने का दावा करते हैं, जिस धर्म ने बाहर से आने वालों को भी बहुत अच्छे से अपनाया और जिसमें सब कुछ समाहित है, इससे ज़्यादा सर्वव्यापी और सबको ग्रहण करने वाला धर्म कोई हो नहीं सकता। जो वसुधैव कुटुंबकम का नारा देता है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया की बात करता है, उस धर्म के प्रवर्तक अगर उसको इस संकीर्णता की ओर ले जा रहे हैं तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण, इससे खतरनाक और कुछ नहीं हो सकता। जब हम देखते हैं कि कहीं शिया सुन्नी विवाद है, कहीं कैथोलिक प्रोटेस्टेंट विवाद है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास हिंदू धर्म के पास 33 करोड़ देवी देवता हैं और हम सभी धर्मों की पूजा करते हैं, समान रूप से आदर करते हैं, तो वो भावना कहाँ चली गई? मुझे बताइए कि इस बात से फर्क कहाँ पड़ता है कि साईं बाबा हिंदू थे या मुसलमान थे। साईं बाबा एक ऐसे, और उन्होंने कभी खुद के भगवान होने का दावा भी नहीं किया, एक ऐसा फकीर जिसमें लोगों की आस्था थी, कुछ उनके चमत्कार भी प्रचलित हैं और चमत्कार को नमस्कार हमारे यहाँ की जनता वैसे भी करती आई है, उसके बाद भी अगर किसी व्यक्ति की वहाँ आस्था है, उसको लगता है कि उसके दर उस दर पर जाने से उसको सुकून मिलता है, तो उसमें दिक्कत कहाँ है आपको? और एक ही व्यक्ति हिंदू धर्म का जो प्रबल समर्थक है, अनुयायी है, वो बजरंगबली के मंदिर में, राम के मंदिर में, गणेश जी के मंदिर में उतनी आस्था से माथा टेकता है और जाता है, और वही व्यक्ति अगर साल में एक बार जाकर शिरडी के साईं बाबा के भी दर्शन करके आता, तो उसमें नुकसान क्या है? उससे आपको हिंदू धर्म को आहत होने की, परेशान होने की जरूरत क्या है? अगर आपकी परेशानी ये है कि साईं बाबा के मंदिर में लाखों करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है, तिरुपति बालाजी के बाद वो दूसरा ऐसा मंदिर है जहां बहुत चढ़ावा आता है, वो चढ़ावा आपके पास क्यों नहीं आ रहा है, तो एक अलग प्रश्न है। वहां मैं ये कहना चाहूंगा कि फिर आपको केवल शिरडी के साईं बाबा मंदिर की बात नहीं करनी चाहिए, हिंदुस्तान के तमाम जो धार्मिक स्थल हैं वो इसी तरह पैसे की लूट खसोट के कारण बर्बाद हो रहे हैं, वहां पर धर्म की पवित्रता कम और पुजारियों का पाखंड ज्यादा दिखाई देता है, और अधिकतर ऐसे स्थानों पर जाकर सच्चे धर्म के अनुयायियों को निराशा ही हाथ लगती है। यह विवाद कहीं हिंदू समाज में दरार डालने की कोशिश तो नहीं है? मुझे तो लगता है कि ये जो दरार डालने वाले लोग हैं, इनके मन में बड़ी दरार है और इनके मन साफ नहीं है, इनके अंदर धर्म का प्रवर्तक होने के बावजूद जो आवश्यक बड़प्पन है वो नहीं है, और जो इन छोटी बातों को लेकर, मुझे लगता है कि ये जो पोस्टर अभी जारी हुआ है इस पूरे विवाद में, इससे निकृष्ट कृत्य कुछ नहीं हो सकता। आप बजरंग बली को, साईं बाबा को दौड़ाते हुए पीटते हुए दिखा रहे हैं, इससे शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण क्या है? आप अपने उस भक्त को अपने से दूर कर रहे हैं जो साईं बाबा में और हनुमान जी में उतनी ही अगाध श्रद्धा रखता है, और ये दोनों एक दूसरे के परस्पर विरोधी कब से हो गए? एक ही मंदिर में अगर हम दोनों के दर्शन कर पा रहे हैं तो फिर उसमें दिक्कत क्या है? और हम तो उस धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं जहां पर आप एक मजार भी है और मंदिर भी है और दोनों में समान रूप से आस्था रखते हैं, तो कहां तो हम मजार और मंदिर को समान बताने की कोशिश कर रहे हैं, और आप साईं बाबा और हनुमान जी में भेद कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि साईं बाबा के जो समर्थक हैं और ट्रस्ट के लोग हैं उन पर आरोप आप लगाते हैं कि उन्होंने भी साईं बाबा के साथ राम की तस्वीरें दिखाने की कोशिश की है साईं बाबा को। मुझे ये कहना है कि लोगों को आप कुछ भी दिखाने की कोशिश करें, लोग दरअसल वही देखते हैं जो उनके दिल में है, जो वो देखना चाहते हैं। अगर कोई किसी दर पर माथा टेकने, किसी भगवान की आरती करने, किसी की पूजा करने गया है, उसको सुकून मिला है, उसको अच्छा लगा है, उसको लगा है कि उसके जीवन में कोई बेहतर बदलाव आया है, या उसके मन में जो भटकाव था वो कहीं ना कहीं शांत हुआ है, तो वो उस दर पर, उस मंदिर पर, उस आश्रम पर, उस श्रद्धा के स्थल पर लगातार जाएगा, बार बार जाएगा, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। स्वरूपानंद जी को कांग्रेस के निकट भी माना जाता है, तो इससे क्या इस मुद्दे को राजनीति से जोड़कर देखा जाना चाहिए? मैं नहीं समझता इसमें कांग्रेस भाजपा की राजनीति होनी चाहिए, पर अगर ऐसा है तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं है। अगर हमारे शंकराचार्य, अगर हमारे मठाधीश कांग्रेस और भाजपा के बीच की राजनीति में शामिल हो जाते हैं, तो वैसे ही देश में गौमांस को लेकर, सांप्रदायिक उन्माद को लेकर, पिछड़े वर्ग के लोगों पर हो रहे अत्याचार को लेकर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर एक अजीब तरह की नौटंकी, एक अजीब तरह की बहस हिंदुस्तान में चल रही है। एक छोटा मुद्दा जिसकी तह में जाने को कोई तैयार नहीं है, उस मुद्दे को इतना बड़ा इस देश में कर दिया जा रहा है कि
कि उसके पीछे की परतें खोलने का समय किसी के पास नहीं है। और ऐसे समय में अब बीच में ये विवाद उठा था कुछ समय पहले, 6-8 महीने पहले, तब ये भी बात हुई थी कि जितने मंदिर हैं उससे साई बाबा की मूर्ति हटा दी जाए, वो मुहिम कहीं पहुंच नहीं पाई। मैं आज तमाम ऐसे मंदिर देखता हूं जहां पर मंदिर के अंदर साई बाबा की मूर्ति लगी हुई है, और मैं समान रूप से बजरंग बली का भी और राम भगवान का भी और राधा कृष्ण का भी और शिवलिंग का भी और साईं बाबा का भी दर्शन एक ही मंदिर में कर सकता हूं। तो इतना, और मुझे मुझे प्रसन्नता होती है, मुझे प्रसन्नता होती है किसी ऐसे मंदिर के दर्शन करके जहां ये सब एक साथ है। और मुझे तो ये लगता है कि उसी के बगल में कोई मजार है तो मैं वहां भी माथा टेकूं, और उसी के बगल में कोई चर्च है तो मैं वहां भी प्रार्थना कर लूं। क्योंकि अगर मेरे, मुझे खुद अपने धर्म ने बचपन से ये बताया कि सारे धर्म एक ही रास्ते पर जाते हैं, सारे धर्म आखिरकार उसी ईश्वर की आराधना करते हैं जो इस सत्य सनातन धर्म का प्रवर्तक है और संचालक है, तो फिर मैं भेदभाव क्यों करूं? और जो कोई धर्म अगर भेदभाव करना अपनी किताबों में नहीं सिखा रहा, तो फिर हमें कोई हक नहीं बनता कि उनके अनुयायी के रूप में हम इस तरह धर्म के नाम पर लोगों को बांटें। साईं स्वरूपानंद विवाद को क्या फिर हम पब्लिसिटी स्टंट माने? मुझे लगता है कि पब्लिसिटी स्टंट और उसके साथ साथ जो सत्ता, जो शक्ति, जो पैसा किसी एक स्थान तक पहुंच रहा है, उससे जलन और उसको अपनी तरफ करने की कोशिश ज्यादा नजर आती है। अगर आपको लगता है कि इतने लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धा है, इतने लोग जाकर वहां भेंट चढ़ावा देते हैं और उस पैसे से साईं बाबा मंदिर, वहां का ट्रस्ट और अधिक समृद्ध हो रहा है, और उतनी बड़ी कतारें, उतनी बड़ी संख्या में अनुयायी, उतना अधिक पैसा हमारे पास क्यों नहीं है? अगर ये केवल आपस की ईर्ष्या की बात है तो इसमें लोगों को कृपया न घसीटे। वैसे भी लोग इसमें घसीटे जाने वाले के लिए तैयार नहीं है। साईं बाबा की अपनी एक लोगों की आस्था है, भक्ति है, परिवार दर परिवार वो आगे बढ़ती है। एक परिवार में अगर आस्था है, या किसी मित्र ने कह दिया कि मेरे साथ शिरडी चलो, वो दूसरा मित्र वहां गया और उसे अच्छा लगा, तो वो जाएगा, आप उसको रोक नहीं सकते। अगर किसी को लगता है कि स्वरूपानंद सरस्वती जी के पास जाना चाहिए, उनमें अगाध श्रद्धा है, वहां जाने से अच्छा लगता है, दिशा दर्शन होता है, आध्यात्मिक शांति मिलती है, तो व्यक्ति वहां जाएगा। इस देश ने तो विदेशियों को भी यहां पर था दिए, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज मैडोना से लेके स्टीव जॉब्स से लेके उनको भी भारत में आध्यात्मिक पनाह मिली है। हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेसबुक के मुख्यालय गए थे, तो वहां मार्क जकरबर्ग ने उनसे कहा था, जो फेसबुक के एक संस्थापक हैं, कि मैं जब परेशान था तो मुझे स्टीव जॉब्स ने कहा था कि आप भारत जाइए, वहां आपको शांति मिलेगी, और वहां ये नीम करौली बाबा के पास वो आए थे और उनको शांति मिली थी। तो जो हिंदुस्तान दुनिया को दिशा दिखा रहा है, शांति सुकून का पाठ पढ़ा रहा है, एक अध्यात्म की शरण स्थली के रूप में जाना जाता है, उस हिंदुस्तान के भीतर अगर आपके व्यक्तिगत ईर्ष्या और द्वेष और दूसरे अन्य भावों की वजह से आप इस तरह के बखेड़े को खड़ा कर रहे हैं, तो ये एक अलग बात है। लेकिन जनता को भी इसको समझना चाहिए, और मुझे लगता है बहुत हद तक समझती है। जो लोग बजरंग बली में आस्था रखते हैं, उनको पता है कि बजरंग बली के प्रति उनकी जो आस्था है, श्रद्धा है, वो उस संकट मोचक के प्रति उनकी श्रद्धा कभी कम नहीं होने वाली। लेकिन उनको पता है कि उनका बजरंग बली उनको कभी साई मंदिर जाने से नहीं रोकेगा। ऐसे ही उनको ये भी पता है कि उनका साई उनको कभी बजरंग बली के दर्शन करने से नहीं रोकेगा। अगर उस स्तर पे कोई दिक्कत दिखाई नहीं देती, तो ये नीचे वाले लोग उसको किसी भी तरीके से खाई बनाने की कोशिश करें, मुझे नहीं लगता कि वो इसमें सफल हो पाएंगे। ऐसा नहीं लगता कि इस तरह के विवादों से धर्मगुरुओं के प्रति लोगों की आस्था कम होगी? निश्चित तौर पर। देखिए, एक तो पहले ही जो धार्मिक पाखंड कुछ बाबाओं ने, गुरुओं ने किया है, उसकी वजह से हमारी धार्मिक आस्थाओं पर गहरी चोट पहुंची है। आसाराम जी के इतने बड़ी संख्या में अनुयायी हैं, लेकिन उनके जो कर्म सामने आए उसकी वजह से वो आज जेल में हैं। रामपाल महाराज ने इतना बड़ा आश्रम बनाया, इतने करोड़ों रुपए जुटाए, लेकिन जब हमें पता लगा कि वो सब दिखावा था, झूठ था, तो लोगों ने उनके प्रति आस्था तो कम की ही। लेकिन कुल मिलाकर जो हिंदू धर्म के अन्य लोग हैं, जो हिंदू धर्म का सच्चे मन से प्रचार करने में लगे हैं, कहीं ना कहीं उनकी सत्यता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं। तो ऐसी घटनाएं जब सामने आती हैं, तो निश्चित तौर पर वो लोग जो आस्था के पुंज बने हैं, जो पूजनीय हैं, जिनको आदर के साथ लोग देखते हैं, उनके दर्शन करने के लिए कतार लगाकर खड़े होते हैं, जब वो कोई नीची हल्की ओछी बात कहते हैं, तो निश्चित तौर पर वो खुद में अपनी आस्था जो लोगों की है उसको खुद ही कम करने का प्रयत्न कर रहे होते हैं। एक तरफ हमारे पास साईं बाबा हैं, जिनकी स्तवन मंजरी जो पढ़ी जाती है उनके भक्तों द्वारा, उसमें वो लिखते हैं कि जो मजभदे जैसा जैसा भावे तैसा तैसा पावे मिहि त्यास, मतलब जो मुझे जिस रूप में देखना चाहेगा मैं उससे उसी रूप में हासिल हो जाऊंगा। तो एक उदारता की बात दिखाई देती। दूसरी तरफ एक हमारे पास संकट मोचक पवन पुत्र हनुमान है, जिन्होंने भक्ति की चरम मिसाल कायम की है, जिन्होंने कहा है कि मैं दासों का दास हूं और मुझे राम भक्ति के अलावा कुछ आता ही नहीं है। जिनका आप सीना भी चीर कर देखें तो उसके अंदर से राम भगवान निकलते हैं। उसके अंदर राजनीति के लिए, स्वार्थ के लिए, छोटेपन के लिए, या साईं बाबा के भक्तों को परेशान करने के लिए या उनको साईं बाबा से दूर करने के लिए कोई जगह नहीं है। हनुमान जी तो ये खुद बता चुके हैं कि उनके दिल में किस चीज के लिए जगह है। उनके दिल में केवल राम भगवान के लिए जगह है, और राम सीता के और राम दरबार के दर्शन आपको उसके अंदर हो जाएंगे, और
जिसके दिल में राम बसते हों उसके दिल में निश्चित तौर पर ऐसी छोटी बातों के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। उन बजरंगबली को और उन साईं बाबा को आपस में इस तरह लड़ता हुआ दिखाकर आप निश्चित तौर पर इन दोनों के प्रति आस्था रखने वाले लोगों के प्रति अपनी आस्था को कम कर रहे हैं। कृपया ऐसा ना करें। आदरणीय है, पूजनीय है, वंदनीय है, तो बने रहिए। उसको छोटा करने की, ओछा करने की और वसुधैव कुटुंबकम की इस भारतीय संस्कृति को नीचा दिखाने की कोशिश कृपया मत कीजिए। धन्यवाद जयदीप जी। हम चर्चा कर रहे थे साईं स्वरूपानंद विवाद की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।